जमशेदपुर से मुंबई आकर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए बॉलीवुड में सफलता के लिए संघर्ष करना किसी भी प्रतिभाशाली कलाकार के लिए आसान नहीं हो सकता, मगर जमशेदपुर में रंगमंच पर अपना नाम स्थापित करने के बाद अभिनेता जय मिश्रा ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मुंबई आने का रुख किया। मुंबई में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अंततः उन्हें सीरियल सत्यमान में घोष बाबू किरदार निभाने का अवसर मिला। लगभग 60 वर्षों तक सत्यमान में घोष बाबू किरदार निभाते हुए जय मिश्रा लोगों के लिए घोष बाबू बन गए। इस सीरियल के बाद जय मिश्रा ने विद्यार्थी सहित कुछ फिल्में भी की, मगर बात नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। फिर उन्हें कलर्स टीवी के सीरियल बालिका वधू में कल्याणी के पारिवारिक मुनीम का किरदार निभाने का अवसर मिला, जिसे वह 4 वर्ष तक निभाते रहे। इसके बाद संस्कृति, श्रीमान सिमृति सहित कई सीरियलों में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। जय मिश्रा पिछले कुछ वर्षों से दूरदर्शन के सीरियल चंदा मेरी बहना, बातें कुछ अनकहीं सी और नई सोच में लीड किरदार निभाते आ रहे हैं। इस बीच जय मिश्रा फिल्में भी करते रहे। उनकी नई फिल्म टिनसियाने 27 मई को प्रदर्शित होने वाली है। इसी संदर्भ में फिल्मी संगम ने जय मिश्रा से बातचीत की। जय मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार आप सभी मित्रों को। जमशेदपुर में रंगमंच पर नाम कमाने के बाद से अब तक की आपकी जो यात्रा रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? जमशेदपुर में मैं करीब 9th-10th में रहा हूँ, स्कूल के दिनों की बात है। मेरे सोच जीवन के प्रति मेरी सोच विस्तार ले रही थी उस समय कि मुझे अब जीवन में, क्योंकि मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, औसत ही पढ़ाई में रुचि मेरे उस दिनों हुआ करती थी, तो मुझे कुछ अलग हटके करने का मेरे मनों में उस समय गुलबुलाहट शुरू हो गई थी। और मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं अपने आप को जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद मैं एक्टिंग के क्षेत्र में बेहतर और अच्छा काम कर पाऊंगा। ये इसी दुविधा में, द्वंद में मैं सोचते कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, आगे कौन से रास्ता अख्तियार करूंगा जिससे मेरी पहचान या मैं जो सोच रहा हूं अपने बारे में उसको हासिल कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों मेरे मोहल्ले में ही एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल थी, वहां हमारे एक जानने वाले हमारे बड़े भाई विनय पांडे जी थे, उन्होंने एक वर्कशॉप करवा रहे थे स्कूल के बच्चों को। तो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनके लिए कुछ 15 दिन का वर्कशॉप था और उसी में नाटक की भी तैयारी होनी थी। तो चूंकि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट नहीं था और मेरे मित्र एक दो वहाँ पढ़ रहे थे, तो मैं उनसे पूछा कि यार तुम लोग शाम में लेट आ रहे हो, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में वही वर्कशॉप चल रहा है नाटक के लिए। तो मैं बोला मैं आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ आओ। तो मैं देखने के हिसाब से एक दिन चला गया। वहाँ गया तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे अपने का। तो मैंने उस अपने मित्र से ही कहा कि यार देखो भैया से बात करो अगर मुझे एंट्री मिल सकती है क्या, चूँकि स्टूडेंट नहीं था उस स्कूल का। तो भैया वैसे मुझे नाम से तो जानते थे कि मैं मोहल्ले का ही लड़का हूँ, तो उसने बात किया तो बोले ठीक है कल से आओ देखते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, मैं जाना शुरू किया, धीरे धीरे बैठना शुरू किया, पार्टिसिपेट करने लगा। उस 15 दिन के वर्कशॉप में मेरा इंटरेस्ट और मेरे काम का लगाव देखते हुए जब नाटक का तैयारी होने लगा तो मैं उस नाटक का लीड कैरेक्टर कलुआ, जो साक्षरता के ऊपर मतलब बेसिकली वो नाटक था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी वजह से उसको क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, एक कैरेक्टर मैं था कलुआ जिसका नाम था, उसकी तैयारी हुई, लीड रोल मैंने किया और पूरे मोहल्ले के अलावा और भी कई गेस्ट आए हुए थे टाटा स्टील वगैरह के, तो वो मेरी पहली शुरुआत वहाँ से नाटक के तौर पर। अब इसके आगे जब मैं सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब तो आगे कुछ और करना है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, एक आनंद आ गया था नाटक करने का, जो रस होता है, एक फील जो होती है कलाकार के तौर पे, मतलब एक सेप लेना शुरू तो हो गया था कि अब अभिनेता के तौर पे अंकुरित मेरे अंदर पनप गया था। तो उस दौरान फिर मैं सोचने लगा कि अब कहाँ, चूंकि स्कूल में तो बार बार नहीं एक ही टाइम के लिए था वो वर्कशॉप, मैं सोचते फिर भैया उनके पास ही जो हमारे सीनियर भैया थे विनय पांडे जी, उनके पास मैं गया, मतलब भैया अभी आगे अगर कुछ करना हो तो कैसे क्या कर सकते हैं।
तो बोले ठीक है मैं तुमको बताता हूँ। तो वो करते करते भी 6 महीना साल भर निकल गया। फिर उन्होंने मुझे एक देव कुमार मजुमदार जी थे, उसमें नाटक शहर के लिए वो कर रहे थे, मेरे घर से कुछ 11 किलोमीटर की दूरी पे वो रिहर्सल उनका होता था। तो एक दिन मुझे वो अपने साथ, वो भी साइकिल से, वो खुद साइकिल से चला के गए और मुझे भी मैं पिताजी की साइकिल लेके साथ में हम लोग गए वहाँ। उन्होंने मिलवाया, वहाँ भी सेम वही कंडीशन, 10 दिन तक 15 दिन तक कंटिन्यू मैं जाता रहा, बैठता रहा वहाँ, क्राउड में बैठा रहा। कोरस में फिर मुझे थोड़ी सी एंट्री मिली 1-2 लाइन की। वो करते करते जब नाटक का दिन आया तो पर्टिकुलर जो डायरेक्टर थे देव कुमार मजुमदार जी, उन्होंने मेरा एक कैरेक्टर, उस जबकि नहीं था उस सीन के अंदर, उन्होंने स्पेशली उस कैरेक्टर को क्रिएट किया और मुझे वो परफॉर्म करने का मौका मिला। शहर के सबसे बड़े रंगमंच जो रविंद्र भवन वहाँ पे है हमारे यहाँ जमशेदपुर, तो उस मंच पे। तो ये इस तरह से मेरी शहर में नाटक करने की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद फिर कई नाट्य ग्रुप, रंग भारती वहाँ की, चेतना, फिर एक NHD का वर्कशॉप हुआ था हमारे यहाँ 3 महीने का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसकी और बारीक किया मैंने, फिर अभिनय की जो थी आवाज़ के लेके, एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, सारी चीज़ें जो बेसिक जानकारी थी वहाँ से मुझे सीखने को मिला। फिर शहर में एक बहुत बड़ा नाटक जिसमें हमारे शहर के सारे तमाम बड़े रंगकर्मी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, कोर्ट मार्शल, उस नाटक में जो मेन पात्र है रामचंद्र, वो भूमिका मैंने निभाई थी। और उससे एक शहर में, मतलब एक अभिनेता के तौर पे, जो एक शहर भर में जिसको कहते हैं कि मुझे पहचान मिली कि शहर के लोग, शहर के बड़े रंगकर्मी भी इस चीज़ को माने कि हाँ जैन में एक पोटेंशियल है, एक अभिनेता के तौर पर वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसी दौरान हमारे शहर के SP थे डॉक्टर रजय कुमार, उन्होंने एक नुक्कड़ पुलिस पब्लिक रिलेशन के ऊपर शुरू किया था, तो उसमें भी हमने करीब 1.5-2 महीने तक पूरे शहर भर में जितने थाना क्षेत्र थे उसमें हम लोगों ने उस नुक्कड़ नाटक, उसमें मैं हवलदार रामचंद्र का कैरेक्टर प्ले किया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, कॉमेडी। उसके एक डायलॉग भी थे कि एक लड़की जो प्ले के अंदर लड़की की भूमिका करता था, लड़का जो है लड़की की भूमिका करता था, तो वो आता है थाने में, बोलता है देखिए ना सर, तो बिहारी टोन में वहाँ के हवलदारों की जो टोन होता है उसके हिसाब से, हाँ देखी तो रहे हैं, बोलो क्या हुआ है, तो बोला देखिए ना हमको लड़का लोग छेड़ दिया है। वो तो बोलता है तुम लोग अकेले घूमोगी तो लड़का लोग छेड़ेगा नहीं, तुम लोग अकेले कहे दिन दुपहरिया बाहर घूमते रहती हो। तो उधर से जो इंस्पेक्टर थे बाहर शोर सुन के चिल्लाते हैं, बोले क्या हुआ, रामदीप मेरे कैरेक्टर का, तो मैं बोलता देखिए ना सर एक लड़की छेड़ा के आई है। तो सारे लोग हंसते थे क्योंकि लड़की कंप्लेन लेके आई है कि उसे लड़कों ने छेड़ा है, और यहाँ मैं उल्टा कह रहा हूँ कि लड़की छेड़ा के आई। तो वो एक काफी, उससे पब्लिक भी काफी एंजॉय करती थी। तो इस तरह से एक सफर शुरू हुआ। अब इस दौरान क्या हुआ कि मेरी शादी हो चुकी थी, मैं एक बच्ची, मेरी बेटी ने जन्म ले लिया था, और मेरा उस दौरान टाटा स्टील में, फादर मेरे चूंकि टाटा स्टील में सर्विस करते थे, तो उनके नाम पे मेरा रजिस्ट्रेशन था। अच्छा। कंपनी के अंदर की फादर के ये पे उनके 20 साल के सर्विस के उपलक्ष में एक सन को, मतलब सर्विस टाटा स्टील एक प्रावधान था ऐसा, तो मुझे उम्मीद थी कि वो, और रजिस्ट्रेशन मेरे नाम का था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसी दौरान उदारीकरण का दौर 91-92 का वो दौर था शुरू हुआ, और टाटा स्टील में उस प्रावधान को लगभग ख़त्म ही कर दिया, मतलब उसने सर्विस उस दौर के हमारे जितने भी साथी थे, जो लोग भी थे, उनको किसी को नहीं मिला। मेरे सामने ये संकट आ गया कि अब रोजी रोजगार का, कि अब क्या करना है मुझे। मुझे चूंकि वहाँ पे मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पे लगा भी था, जो मेरे घर से करीब 17-18 किलोमीटर दूर था, वहाँ जाना होता था, लेकिन दिक्कत थी कि फिर आते आते शाम रात हो जाता था, मुझे रिहर्सल के लिए या नाटकों के लिए फिर समय नहीं मिल पाता। तो मैंने, अब मेरे लिए द्वंद्व फिर से एक बार पैदा हो गया कि अब मुझे या तो रोजी रोटी या फिर ये कला, लेकिन मुझे करना है था कला के ही क्षेत्र में आगे बढ़ना था। ये द्वंद्व चल रहा था, उसी दौरान हमारे एक मित्र थे ब्रिजमोहन पांडे जी, जो हमारे शहर के ही हैं, जो शक्तिमान के राइटर और भी कई बड़े सीरियल वो लिख रहे हैं, तो उनसे हमारी परिचय थी, उनके साथ भी बड़े अच्छे आत्मीय संबंध थे, तो उनसे बात होती थी। वो बोलते थे कि वो पहले से बॉम्बे में थे, तो वो कहते थे कि जय क्या करना चाह रहे हो, फ्यूचर में क्या प्लान है तुम्हारा। मैं बोलता था कि ये करना है एक्टिंग के लाइन में, तो बोले यहाँ तो तुम देख ही रहे हो, थिएटर भी उस समय धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, ग्रुपें कम हो रही थी, आर्थिक सबकी दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी। तो उन्होंने बोला कि एक बार मुंबई आओ, चलो ट्राई करो देखो।
तो मैं बोला ठीक है सोचूंगा देखूंगा, कि चूंकि परिवार ही बीवी बच्चे सब घर परिवार माता पिताजी। फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है मुझे बॉम्बे एक बार चल के देखना है। उनके साथ मैंने जनरल, उनका भी रिजर्वेशन था आने का पहले से, मैंने जनरल टिकट लेके उनके साथ, फिर वो उनके साथ ही सफर में आके बॉम्बे एक बार आया। फिर एक दो महीना करीब रहा उनके साथ, मालवानी बॉम्बे का एक एरिया था वहाँ पे, काफ़ी झोपड़पट्टी एरिया उस दिनों में वो। लेकिन फिर मुझे वो शहर, यहाँ घबराहट परेशानी घर परिवार दोस्त यार सब याद आने लगे। दो महीना में ही मुझे लगा कि नहीं मुझे अब वापस, तो मैं वापस चला गया। और उस दौरान फिर मैं टाटा स्टील के एक वर्कशॉप के लिए शिमला गया हुआ था, शिमला फिर दिल्ली ट्रेड फेयर, हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे टाटा स्टील कम के लिए, वेलफेयर ट्रस्ट थी वहाँ उसके लिए। उसके बाद फिर वहाँ से करके आया, कुछ पैसे भी मुझे मिला, फिर वही सवाल खड़े हो गए कि अब क्या आगे क्या। फिर मैंने एक बार डिसीजन लिया, तय किया अपने आप को कि नहीं कला में अगर कुछ करना है तो उसका मेल जो स्थान है वो बॉम्बे ही है। और फिर मुंबई का रुख मैंने किया, 97 जनवरी में आया। और उस दौरान फिर अब चूंकि मुझे ठान के ही आया था कि कुछ करना है, तो मैं उस समय सेल्समैन की नौकरी शुरुआत की, कुछ सामान वगैरह लेके घर घरों में जाके बेचना, क्योंकि आर्थिक रूप से भी अपने को एस्टेब्लिश होना था यहाँ, क्योंकि और कोई सपोर्ट नहीं था, घर से भी मैं पैसा लेना नहीं चाह रहा था। तो वो मैं दो महीने करीब कंटिन्यू मालवानी के सारे एरिया, मालवानी मलाड़, हर घर घर में जाके वो आइटम सब थे जो घरों में जाके सेल करते थे। उस दौरान एक सीरियल में मुझे काम मिल गया, बृजमोहन पांडे जी ही लिख रहे थे, वो न्यायाधीश करके सीरियल था जिसमें परीक्षित सानी जी मैन लीड कर रहे थे। उसमें मुझे दो तीन दिन का काम मिला, पायलट था वो चुकी वो एपिसोड, तो लोनावाला में जाके हमने वो शूट आउट करके आ गए। लेकिन वो सीरियल फिर ऑनियर नहीं हुआ। उस दौरान फिर पांडे जी को शक्तिमान सीरियल में राइटिंग के तौर पे लिखने का उनको मौका मिला हुआ था, और मैं तब तक वो काम कर रहा था। तो फिर पांडे जी भी देखे तो बोले यार एक काम करो, मैं अभी उसमें जुड़ा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो राइटिंग में, जो भी होगा मेरे हेल्प करना और देख लेंगे हम लोग जैसे भी आगे। तो मैं उनके साथ फिर जुड़ के ऑफिस आना शुरू हुआ, शक्तिमान के ऑफिस उस समय कांदिवली में था। तो फिर उन डायरेक्टर दिनकर जानी जी थे, उनसे फिर परिचय हुआ, फिर आना जाना ये लगा रहा। उस दौरान फिर पांडे जी कैरेक्टर वगैरह लिखना शुरू किए थे, तो उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि मैं जानी सर से बात करके एक कैरेक्टर, उसमें ऑफिस था गंगाधर गीता विश्वास का जो प्रेस का ऑफिस था, उसमें बाकी का कैरेक्टर वो तू को मैं सेट करवा दूंगा, तो कर लेना और राइटिंग में तुम मेरे साथ जुड़े रहना। लेकिन कुछ दिनों के बाद मालूम चलता है कि वो रोल खुद पांडे जी को जानी सर ने फाइनल कर दिया, बोले कि अब पांडे करेगा। वो आके बोले मुझे कि जय यार ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला कोई बात नहीं यार, तुम भी एक्टर हो, अच्छे एक्टर थे हमारे शहर के काफ़ी, मतलब उनका नाम था उस समय से। मैं बोला कोई बात नहीं, चलो अच्छा है करो, तुम आगे देखेंगे कुछ और। बोले हाँ मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि वैष्णवी गीता विश्वास जो हमारी हीरोइन थी शक्तिमान सीरियल की, उनके घर में नौकर का एक रोल आया, तो बोले वो तुम कर लो। मैं बोला ठीक है अच्छा है, कंटिन्यू रहेगा कोई दिक्कत नहीं। तो शूटिंग का दिन तय हुआ, सात बंगला में एक बंगला था अंधेरी में, वहाँ पे 2 बजे की शिफ्ट थी और मुझे वहाँ पे 2:30 बजे बोला गया था कि तुम आ जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेकअप वगैरह, उसमें सीन था कि तेजाबी बारिश होती है और उसमें मेरा पूरा हाथ जल जाता है और मैं चिल्लाते हुए भागता हूँ, दीदी देखो बारिश हो रही है तेजाबी बारिश। और वो मेकअप वगैरह लेके मैं बैठा रहता हूँ, करीब 4-5 बज जाते हैं 2-3 घंटे, और जब वो रेन मशीन से कलर पानी गिरने का शूट करना था इनको, जो बाद में लोग स्पेशल इफेक्ट वगैरह से दिखाते कि वो तेजाबी बारिश। लेकिन वो बेडलक था कि या क्या, कैमरा में वो कैच ही नहीं हुआ कलर, तो उस दिन मेरी शूटिंग वो कैंसिल हो गई। ऐसे करके करीब 2-3 बार इस तरह से मौका मिला कि नौकर वाला मुझे शूट करना है, लेकिन वो नहीं हो पाया और इस तरह से 1 साल निकल गया। फिर दिनकर जानी डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला यार जय तुम स्ट्रगलरों का देख ही रहे हो हालत, कैसे लोग आते हैं फोटो देते हैं सबको काम नहीं मिल पाता, फिर लोग भटकते रहते, तो तुम एक काम करो यहीं जुड़ जाओ ऑफिस में या डायरेक्शन में या पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ तुमको इंटरेस्ट हो। मुझे उनकी बात अच्छी लगी, समझ में भी आई, तो मैंने सोचा कि डायरेक्शन में जाऊंगा तो फिर मैं दूसरे आर्टिस्टों के पीछे भागना पड़ेगा, तो मेरे को आर्टिस्ट बनने का मौका नहीं मिलेगा। फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाऊंगा तो ये सोचा कि वहाँ ज़्यादा नाइट में काम होती है, तो शूटिंग तो दिन में होता है, तो उससे भी मैं शायद मेरे को नुकसान हो जाए। तो फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला लिया और
फिर मुकेश जी से जानीशन ने बात किया, मुकेश जी बोले ठीक है रख लो इसको, देखो क्या कर सकते हैं। करते करते फिर एक साल के बाद मतलब करीब 98 में ये नए कुछ कैरेक्टर ऑफिस के अंदर, एक नया सेट मुकेश जी ने काफी खर्चा करके ऑफिस का सेट बनाया था, ऑफिस का भी किलविश का डैन और गंगाधर का, ये तीन करीब उस समय करीब 40-50 लाख रुपया खर्चा करके बहुत बड़ा सेट उन्होंने एमबीसी स्टूडियो अंधेरी में बनवाया था। उसके बाद वहां पे कुछ नए कैरेक्टर उस ऑफिस सीन में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो उसमें एक बिहारी का कैरेक्टर आया और एक बंगाली घोष बाबू का। तो मुझे असिस्टेंट वगैरह जो थे हमारे डायरेक्शन में, इस्माइल वगैरह, दिनेश, बोले कि जय बिहारी का करेक्टर अच्छा कर लेगा बिहारी का, तो वो लगभग फाइनल हो गया था कि बिहारी का मैं करूंगा, और बंगाली करेक्टर के लिए हम लोग दूसरे कास्ट को ट्राई कर रहे थे। लेकिन रात 8:30-9 के करीब होने गया था, वो करेक्टर फाइनल नहीं हो पाया, कोई कई आर्टिस्टों से बात की गई, उनका फोटो देखा गया, लेकिन कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर इन लोगों ने, असिस्टेंटों ने बोला कि सर वो रोल जय को दे देते हैं और बिहारी का देखते हैं, अगर सेट पे कोई होता है तो, नहीं तो उसको कैंसिल करेंगे। तो जानी सर बोले ठीक है, फिर पांडे जी से पूछा गया राइटर थे, तो बोले हाँ जय तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उस तरह से बंगाली का मेरा घोष बाबू का करेक्टर फाइनल हुआ, और 2 बजे उस दिन वहाँ पे पूजा भी था और पार्टी जैसी थी, कई लोग गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे वहाँ पे। फिर जब मालूम चला कि यूनिट को मालूम नहीं था सबको, खाली ऐसे डायरेक्शन टीम को मालूम था, गया मैं ड्रेस वगैरह लेके, गेटअप मेकअप, तो सब लोग मतलब अचंभित हो गए मतलब ये चाहे, और किसी को मालूम ही नहीं था कि मैं एक्टर भी हूँ बेसिकली, उतना यूनिट को खबर नहीं थी। मुकेश जी के सामने गया तो मुकेश जी बोला अच्छा तू भी आ गया, तो उनको लगा कि मतलब ऑफिस के काम से आया है तो चलो ठीक है। लेकिन जब कैमरा के सामने देखे, परफॉर्मेंस देखे पहले सीन में, अरे बाबा करके, ये तो बॉम्ब है, मेरा टैलेंट था पहला, तो सब लोग आश्चर्य, अरे जय तो एक्टर है, जय तो एक्टर है, वैष्णवी जी खुद बोला रहे आप एक्टिंग भी करते हैं। तो एक फिर वहां से माहौल बन गया और ये करीब 8 दिन तक कंटिन्यू वो ऑफिस सीन हमारा शूट हुआ और वहां से ये सिलसिला चल पड़ा। शक्तिमान में घोष बाबू का किरदार निभाने से किस तरह की शोहरत मिली? शक्तिमान में ये 8 दिन का, जैसे मैंने बताया कि 8 दिन का कंटिन्यू शूट हुआ, उसके बाद ऑफिस, चूंकि मैं ऑफिस से ही सारा कुछ ऑपरेट करता था, प्रोडक्शन के सारी चीजें, फाइनेंस से लेकर हर चीज की मुझे जानकारी थी, और मेरे बगैर शायद कोई ना बिल पास होता था ना किसी को पेमेंट होता था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय मेरे कंधे पे थी एक तरह से, शक्तिमान से जुड़े हुए चीजों को। तो अब जो प्रोडक्शन के लोग थे उन लोगों ने मुकेश जी तक बात बताई कि जय अगर शूटिंग करेगा तो इधर की चीजें नुकसान होगी, समय मोबाइल वगैरह भी नहीं था, लैंडलाइन वगैरह पे ही ज्यादा बातचीत होती थी, तो मुझे फिर ड्रॉप कर दिया गया। मतलब 2 एपिसोड के बाद एक दूसरे डायरेक्टर आए तो मुझे उस करेक्टर से ड्रॉप कर दिया गया। फिर जानी सर भी बोले कि यार जय अभी कैसे करेगा एक्टिंग आ रही है वो, और तू अगर ये करेगा एक्टिंग पे ये करेगा तो यहाँ से मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बोला अगर मुझे एक्टिंग में अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं फिर ऑफिस छोड़ के गांव चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आया हूँ यही काम करने। सही बात है। यानी सर भी टेंशन में आ गए कि यार एक तो अच्छा लड़का, ईमानदार लड़का, इतना मेहनत करता है और एक्टिंग भी अच्छा कर रहा है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो फिर एक जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग थे उन लोगों की मीटिंग हुई है, और उसमें फिर मुकेश जी के भतीजे थे सुनील खन्ना जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया, फिर जानी सर ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है उसको देखते हैं, करने देते हैं और जो भी होगा। फिर कुक्कू जी जो हमारे एपिसोड डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यार मैं ऑलरेडी कैरेक्टर को एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, जब उनकी दूसरी स्टोरी की आगे शूटिंग की बात आई, अब अगर मैं वहाँ नए आर्टिस्ट को दिखाऊंगा तो मेरा पूरा एपिसोड आगे का खराब हो जाएगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे चाहिए वो जय चाहिए वहाँ पे। फिर मुझे डिसीजन लेके इन लोगों ने किया कि ठीक है जय के अलावा प्रोडक्शन में और कोई एक्टिंग नहीं करेगा, जय को मतलब अलाउ किया गया, क्योंकि मैं काम भी अच्छा कर रहा था और प्रोडक्शन के साइड से भी, तो वो फिर कंटिन्यू मतलब 7 सालों तक कंटिन्यू, जब जब भी जरूरत पड़ी ऑफिस के स्टाफ में उसमें मैं काम करता रहा। तो शक्तिमान ने बहुत शोहरत पाई उस दौरान, आपको भी काफी शोहरत मिली हुई, तो उसका क्या परिणाम मिला, फिर कहीं दूसरी जगह काम मिला? हाँ, इसके बाद मैं एक छोटी सी घटना है उसकी जिक्र बताना चाहूंगा। एक विद्यार्थी फिल्म मुझे उसी दौरान मिली थी जिसमें जैकी शराफ हीरो थे, राहुल राय थे, गोविंद नामदेव जी थे, मोहन जोशी जी थे, और डायरेक्टर इसके राकेश किंकरिया जी थे। तो बोरीवली में ही किसी स्कूल में हमारी शूटिंग चल रही थी और उसमें मैं पत्रकार की ही भूमिका कर रहा था, लेकिन वो हिंदी, हालांकि एक बंगला के लिए पहले मेरा ऑडिशन लिया था और ऑडिशन बहुत बढ़िया हुआ था, जो बाद में वो रोल मोहन जोशी जी ने किया,
मुझे उसमें कास्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कंटिन्यू प्रेस रिपोर्टर का उसमें भूमिका उन लोगों ने कास्ट किया। और बोरीवली में शूटिंग कर रहा था और मेरा उसमें भी घोष बाबू वाला ही लगभग गेटअप था, खाली उसमें बाल नॉर्मल था, बाकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी, कुर्ता पैजामा जैकेट। तो एक बच्ची छोटी सी, मैं ऐसी बाहर टहल रहा था, शूट होने में थोड़ा टाइम था, सेटिंग हो रही थी तब तब एक बच्ची ने मुझे दूर से पहचाना, बोला अंकल आप शक्तिमान में ना काम करते हैं। तो मैंने उसे देखा, मैंने टालने के मूड में बोला नहीं नहीं मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ काम कर रहा। वो बच्ची गौर से देखते रही, फिर वो मैं वहां से निकल गया। फिर बाद में वो लड़की 10-20 लड़कियों बच्चों लड़कों के साथ आके फिर मेरे सामने खड़ी हुई, सबको बता रही, बता दी वो कन्फर्म थी कि ये आदमी शक्तिमान का ही एक्टर है। और सबको सबको वही घेर लिए पसीने पसीने। उसमें से एक लड़के ने पता नहीं कहाँ से सिगरेट का जो व्हाइट रेपर होता है वो पकड़ के ले आया, बोला अंकल ऑटोग्राफ प्लीज दे दीजिए ना। आया पहली बार, मतलब एक लड़का और मैं फर्स्ट टाइम, और उसको मैंने ऐसी ये करके मतलब घबराहट में ही जैसे तैसे करके दे दिया, गुड लक करके ऐसा लिख के। अब वो सारे बच्चे खोज के कहीं से पेपर कुछ भी लेके, मतलब 15-20 मिनट के करीब आधा घंटा ये माल चलता रहा कि बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे, क्योंकि एक आदमी दे रहा 10-20 आदमी, जूनियर आर्टिस्ट थी वहां पे और आर्टिस्ट सब देख रहे यार ये कौन है आर्टिस्ट जिसको सब ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मैं पसीने से पूरा भींग गया हूँ, तरबतर हो गया हूँ। बाद में मैं घबराहट में नहीं छिके छिके चलो चलो मेरा शूट है अभी जा रहा हूँ, मैं आके सीधे मेकअप रूम में जाके चुपचाप बैठ गया। मतलब वो सिचुएशन पहली बार ऐसा मैंने फेस किया। इसके बाद तो खैर सारे अखबारों में, आपने भी शायद मेरे कई मतलब मायापुरी से लेके नवभारत टाइम्स और हमारे शहर के भी कई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, सारे अखबारों में उस समय न्यूज और खबरें आनी शुरू हो गई। फिर एक दादा साहब फालके जहाँ नासिक में सबसे बड़ा है उनका स्मारक है, वहां पे करीब समझिए कि 1 लाख से ऊपर लोगों के बीच में सारे शक्तिमान के आर्टिस्टों का सम्मान हुआ। उसमें मैं अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि उस टीम का मैं भी एक सदस्य था जहाँ मुझे सम्मान मिला। दादा साहब फाल्के जो फिल्म इंडस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, जनक है, उनकी जन्मस्थली में उनके स्मारक स्थल पर हम लोगों का सम्मान होना ये सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि की बात है और गर्व की बात है। शक्तिमान के बाद आपका करियर किस तरह से आगे बढ़ा था? शक्तिमान के बाद ये जैसे मैंने विद्यार्थी फिल्म की बात की, हालांकि वो फिल्म थोड़े बनने के दौरान कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई और रिलीज होने में डिले हुआ, तो उससे थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ। उसी दौरान एक जूनियर महमूद जी एक फिल्म कर रहे थे जिसमें कादर खान साहब, शक्ति कपूर जी, जॉनी लीवर, अशरानी, ये सारे करेक्टर थे, प्रेम चोपड़ा जी, उन लोगों के साथ एक कंटिन्यू मुझे करेक्टर मिला था, कॉमेडी करेक्टर था वो भी मुझे मिला। हालांकि वो भी फिल्म थोड़े जैसे तैसे रिलीज हुई, उसमें भी टाइम लगा। उस दौरान फिर मुझे एक बालिका वधू में मुनीम का, उनके फैमिली के मुनीम का करेक्टर मिला। वो करीब 4 साल तक अलग अलग एपिसोड में मतलब आता रहा, वो करेक्टर मिला। उसी दौरान मुझे एक संस्कृति करके स्टार प्लस पे उसमें सीरियल आ रहा था, उसमें एक मिस्टर अय्यर का करेक्टर मैंने कंटिन्यू थ्रू आउट किया। और उस दौरान राजन बागदरे, उनके साथ मैंने कई सीरियल, जो राजन बागदरे जी श्रीमान श्रीमती असरत है उनके उनके निर्देशन में है, फिर उनके ही एक एसोसिएट डायरेक्टर थे समीर जी, उनके साथ सोनपरी वगैरह सीरियल में मैंने, तो उस दौरान मुझे रेगुलर कुछ ना कुछ काम कई नए सीरियलों में मिलता रहा। और अभी के हाल के दिनों में फिर डीडी के कई सीरियलों में मैंने लीड करेक्टर मतलब कंटिन्यू जो होता है पूरे एपिसोड की कहानी का एक मेन किरदार के तौर पर, जिसमें चंदा मेरी बहना, बातें कुछ अनकही सी, नई सोच, इस तरह के कई सीरियलों में फिर मैंने लीड कैरेक्टर किया। आपको लगभग 30-25 साल का जो अनुभव हो गया अनुभव का, इन 25 साल के अभिनय करियर जब आप आज पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं? मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूं, और जो मैंने सोचा था जो करने के लिए वो मैं कर पाया, मुझे जिसकी वजह से एक पहचान मिली, खासकर शक्तिमान के घोष बाबू की वजह से आज 25 सालों के बाद भी सारा हिंदुस्तान का युवा यूथ जो आज अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त है, बिजी है, अपनी लाइफ को जी रहा है, वो यूथ आज भी उस करेक्टर की वजह से हमें जानता है, तो मेरे लिए खुशी की बात है। हालांकि आज के दौर थोड़े से बदल गया है, कास्टिंग की चीज़ें बदल गई हैं, पहले डायरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग होती थी, अब कास्टिंग मतलब एक डिपार्टमेंट अलग बन गया है, एजेंसी जैसी हो गई है, भीड़ भी काफ़ी, कई आर्टिस्ट अभी आ गए हैं, तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी तक के सफ़र से संतुष्ट हूं और खुश हूं, जैसा मैंने चाहा, जैसा सोचा उस हिसाब से ज़िंदगी में होता गया,
इस दौरान मेरी थोड़ी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी थी, बच्ची मेरी पढ़ाई कर रही थी इंजीनियरिंग का, तो उसको पढ़ाने वगैरह में भी मेरी काफ़ी व्यस्तता रही उस दौरान। और अभी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके टाटा मोटर्स में जॉब कर रही है, लड़का अभी एमकॉम कर रहा है, वो किस एक कंपनी में अभी ज्वाइन किया हुआ है रिसेंटली। तो पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी समेटते हुए मैंने अपने करियर को बचाए रखा, संभाल के रखा और आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे ही सही। और एक आज मुझे पहचान एक कलाकार के तौर पर इंडस्ट्री और बाहर भी लोग जान रहे, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। आप एक फिल्म रिलीज होने वाले थ्री सयाने, इस फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ? तीन सयाने के प्रोडक्शन डिजाइनर थे सुरजीत नंदा जी, जो काफ़ी सीनियर, मोस्ट सीनियर, करीब वो 90 के करीब एज होंगे और फिट आदमी एकदम सबसे इंडस्ट्री के। तो उनके साथ मैंने एक फिल्म में प्रोडक्शन के तौर पे जुड़ा हुआ था, वो से रिलेशन था। तो वो मुकेश जी को कास्ट करने के लिए बेसिकली डायरेक्टर को लेके आए हुए थे ऑफिस में, तो उनको चूंकि मालूम था कि जय भी एक्टर है, तो उन्होंने डायरेक्टर से मेरे भी परिचय करवाई। तो डायरेक्टर साहब ने बोला हाँ मुझे लुक तो आपका जम रहा है, मुझे कुछ काम अगर अगर फोटो या वीडियो वगैरह हो तो आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। तो मैंने उनको फोटो और अपने वीडियो वगैरह भेजे वर्क्स के। तो देखने के बाद फिर उन्होंने नंदा जी ने ही फ़ोन किया कि जय तुम्हारी कास्टिंग हो गई है फिल्म में, तुम एक बार आके ऑफिस में डायरेक्टर साहब से मिल लो। तो मैं फिर उनसे बात करके टाइम लेके गया, मिला। तो थ्री सयाने में क्या किरदार है आपका? तो नंदा जी की वजह से मतलब उनके सहयोग से मुझे ये फिल्म में काम मिला। और तीन सयाने में जो करेक्टर है मेरी, इसमें करेक्टर का नाम है अठन्नी, जो आज मार्केट से गायब है वैसे। तो हमारे दो, हम लोग दो मित्र हैं, एक अठन्नी मेरा और दूसरा मेरा जो मित्र है वो चवन्नी। तो ये दोनों हम लोग भिखारी बने हुए हैं इसके अंदर, और भिखारी गैंग के जो सरगना है मतलब मैन बॉस, ये पूरा लेविस तरीके से मतलब कारपोरेट तरीके से ये भिखारियों का एक ग्रुप चलता है, जिसके बॉस हैं टिकू तलसानिया जी। और हमारे फिल्म के जो हीरो हैं तीन हैं, देव शर्मा जो मेन है उसमें, यारिया फिल्म उनकी आ चुकी है। तो ये लोग हमारे बॉस को भी ठगते हैं, पैसा यहाँ से लूट के चले जाते हैं बेवकूफ़ बना के, और फिर जब हम लोग इनको पकड़ने या पीछा करने की कोशिश करते थे, लोग हमें भी बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारा भी पैसा लूट लेते हैं। तो इस तरह से ये कॉमेडी सीन, फिर हम लोग उनका पीछा करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा करेक्टर है, ठन्नी करेक्टर का नाम है और भिखारी का मैन स्वरूप का वो करेक्टर है। तो एक कॉमेडी किरदार करने में कितना अनुभव रहा, क्या रहा शूटिंग के, कितने दिन शूटिंग की आपने? शूटिंग पूरी फिल्म में मुझे करीब 9 दिन मैंने किए हैं उसके अंदर, अलग अलग लोकेशन पे। और मतलब हर लोकेशन पे जहाँ हीरो लोग जा रहे हैं उनको पकड़ना था हर हाल में हमें, तो उनके पीछे उनके घर पे कभी गए कभी मार्केट में। तो इस तरह से 8-9 दिन की मेरी शूटिंग उस फिल्म के अंदर रही है। आपने कई स्थापित निर्देशकों के साथ काम किया, लेकिन मेरी जानकारी अनुसार इस फिल्म के निर्देशक नए हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, तो उनके साथ काम करने के क्या अनुभव रहा है? ये हाँ, ये चलिए एक तो इंसान के तौर पे बड़े नाइस और डिसेंट पर्सनालिटी हैं निर्देशक जो हैं हमारे अनीश बारूदवाला जी, और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो। मतलब एक हम लोग चूंकि एक तरह से समझिए कि उस फिल्म में एक नए किरदार ही थे, हमारी कोई ऐसी अहमियत या पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने और स्क्रिप्ट के हिसाब से भी बहुत कुछ उसमें नहीं लिखा गया था सीन के हिसाब से, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे काम को देखते हुए एक एक चीज़ को आके समझा के कुछ क्रिएशन, हम लोग कुछ उसमें इम्प्रोवाइज भी करते, तो उन्होंने बिल्कुल फुल लिबर्टी दी हुई थी कि आपको जो बेहतर लगे जैसे आप सीन को समझ के कर सकते हैं, कि फिल्म में अच्छी दिखनी चाहिए। मुझे ये कहना है कि मुझे मेरे करेक्टर लोगों को हंसा पाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। तो उस हिसाब से उन्होंने हमें पूरा खुलापन दिया, पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया, और बड़े अच्छे सुलझे हुए। ये गिरीश कर्नाड जी के साथ भी मतलब कुछ काम कर चुके हैं, और इनकी कोई बुके किताबें भी पब्लिश हो चुकी है, तो साउथ के से हैं बेसिकली ये। और प्रोड्यूसर साहब भी बड़े अच्छे, मतलब वो भी संजय सुंदरकर जी हैं जो साउथ से ही हैं, और उन्होंने भी पूरा खुल के मतलब जो प्रोड्यूसर के तौर पे कि आप फिल्म बनाने में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, जो भी सहयोग है हर तरह से हम आपको सहयोग करेंगे। तो एक अच्छी फिल्म, देखने लायक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म ये बन पाई है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं अभी? एक फिल्म और माय डैड वेडिंग, ये भी कॉमेडी फिल्म है जिसमें राखी सावंत जी हैं, राजपाल जी हैं, हीरो हीरोइन तो उसमें नए हैं, और दर्शन जेरीवाला जी हैं, राजू खैर हैं उसमें भी, मेरा एक अच्छा करेक्टर है जो राजू खैर जी हैं,
उनके असिस्टेंट के तौर पे उनके ऑफिस में, और जो अकलाते हुए चतुर्वेदी कैरेक्टर का नाम है वो एक फिल्म है, और एक शॉर्ट फिल्म आगंतुक करके, उसमें भी मेरा बड़ा दमदार करेक्टर है, वो विलेन का एक तरह से लुक है पूरा, वो शायद OTT पे किसी भी चैनल पे अभी आएगी शायद महीने दो महीने में ये है। और एक दो नए प्रोजेक्ट अभी फिल्मों की बात चल रही है। OTT के आने के बाद लोगों के लिए रास्ते काफ़ी खुल गए हैं, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? नहीं, ये अच्छा है, OTT के आने से कई नए प्रतिभाओं को हम देख पा रहे हैं और काम भी बेहतर हो रहा है, लेकिन थोड़े से मेरा अपना ऐसा मानना है कि OTT के जो प्लेटफॉर्म हैं वो, और खासकर जो निर्देशक डायरेक्टर हैं वो, एक उसमें काफ़ी गुंजाइश है बहुत बेहतर करने की, लेकिन एक इन लोग एक ढर्रे पे ही जो आज क्राइम और सेक्स और उसी चीज़ों को परसने का जो एक पैटर्न बनते जा रहा है वो गलत है, और वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म को ही आगे चल के नुकसान पहुंचाएगी। तो मेरा मानना है कि उसको लोग थोड़े से उस पर ध्यान दे के अलग अलग सब्जेक्टों पर और अच्छा कंटेंट के हिसाब से काम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा काम इस पर हो सकता है। आपने रंगमंच, टीवी और फिल्म तीनों माध्यमों में काम किया है, जब आपने काम शुरू किया था तब से और अब जो स्थितियां हैं क्या फर्क महसूस कर रहे हैं इन तीनों जगहों पर? देखिए, रंगमंच में थोड़ा से जब वहां से छोड़ के आया था तब से ही संघर्ष शुरू हो गया था और आज भी संघर्ष जारी है, खासकर हिंदी रंगमंच की, आर्थिक रूप से आज भी नहीं, कलाकार एक दो करते हैं शौकिया तौर पे, फिर उनको भाग के टीवी या एल्बम या फिल्मों में आना पड़ता है, तो रंगमंच की बेसिक जो स्थिति है और संघर्ष की स्थिति आज भी बनी हुई है, उसको या तो ऐसा कुछ सरकार के लेवल पे हो या कॉरपोरेट लेवल पे हो कि उनको सहयोग और मदद दे के उसको बचाए जाने की प्रयास करनी चाहिए, ये समाज की भी जिम्मेवारी है और सब लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि रंगमंच एक तरह से समाज का कह सकते हैं आत्मा है, वो अगर खत्म हो रहा है या वो अगर सर्वाइव कर रहा है तो ये दुखद बात है, तो उसको बचाने का प्रयास हर संभव करना चाहिए। फिल्में अभी कोविड के बाद फिल्मों का बीच में स्थिति थोड़ी खराब थी, लेकिन अब बेहतर स्थिति हो रही है, अभी लोग फिर से थिएटरों में जाने लगे हैं, लेकिन खासकर बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं उनके लिए अभी फिर से ये संकट खड़ा हो गया कि उनको भी अपने कंटेंट पे ध्यान दे के पब्लिक के च्वाइस के हिसाब से कुछ भी अब दिखा देंगे या कुछ भी परोस देंगे तो नहीं चलेगा, तो उसको ध्यान में देके उनको भी अभी अपने आप को फिर से रिसाइकलिंग करने की जरूरत है और अच्छे कंटेंट के साथ पब्लिक के सामने आना चाहिए। टीवी की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? टीवी भी अभी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि तीन तीन महीने छः छः महीने में सीरियलें बदल रहे हैं, TRP जो उस दौर में 20-20, 22-22 होता था, अभी एक पॉइंट में भी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो टीवी में भी जब तक आप पूरी इंडिया को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, आप सिर्फ डाइनिंग रूम डाइनिंग टेबल की ही आप कहानी और उसी चीज को आप परोसते रहेंगे सालों साल से, तो पब्लिक उब चुकी है और आपकी उस चीजों को आप जो थोपेंगे वो आप लेने को पब्लिक तैयार नहीं है, तो टीवी इंडस्ट्री को भी बदलने की जरूरत है, अपने को रिसाइकलिंग करने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। आपने देखा होगा तमाम कलाकार अभिनय के अलावा लेखन में या डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में हाथ आजमा रहे हैं, आपने कुछ नहीं सोचा? नहीं, मैं अभी फिलहाल मेरा पूरा जो थिंकिंग है फिल्मों में अपने आप को थोड़ी सी, क्योंकि करेक्टर के तौर पे तो मैंने सीरियल में अब शक्तिमान से बड़ा कोई सीरियल हमारे दौर का नहीं है, तो मैंने उसमें काम किया, बालका उसमें किया, तो सीरियल में तो मैंने जो भी हासिल करना चाहा वो कर लिया, मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पे है कि मैं फिल्मों से करेक्टर के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करूँ, कि लोग जय मिश्रा करेक्टरों को मेरे जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लेकिन जय मिश्रा को अभिनेता के तौर पे पूरे देश भर में जाना जाए, मेरी उस अभी पूरा फोकस उस चीज़ों पर, एक बार उसमें एस्टेब्लिश हो जाऊँ तो फिर मैं आगे के प्लानिंग या सोच सकता हूँ। जय जी, फिल्म संगम जंक्शन बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर।